तो हेलो व्यूअर्स, आज हम बना रहे हैं व्हाइट सॉस पास्ता। इसके लिए हमने ये पेनी पास्ता होता है, ये सूजी का है, मैदा का नहीं है, अच्छी कंपनी का पास्ता है ये। पानी रख दिया हमने, इसमें हम ऑयल नहीं डालेंगे, खाली नमक डालेंगे थोड़ा सा बस। और ये दूसरे पैन में मैं सब्जी सोते करूंगी, उसमें लहसुन डाल रही हूँ ऑयल डाल के। आप चाहे तो मक्खन भी ले सकते हैं, पर मैंने मक्खन नहीं दिया है, ऑयल लिया है। हल्का सा करेंगे, ज्यादा नहीं भूनेंगे। गाजर पतली पतली चॉप करी हुई, जो भी आप वेजिटेबल डालना चाहें वो डाल सकते हैं इसमें, जो आपको पसंद हो। प्याज, और थोड़ी सी शिमला मिर्च, और स्वीट कॉर्न है ये। आप चाहें तो इस टाइम ताजा कॉर्न भी अच्छे आ रहे हैं, वो भी डाल सकते हैं। ये मेरे स्वीट कॉर्न है, ये फ्रोजन कॉर्न आते हैं, वो डाले हैं मैंने। उनको अच्छे से सोटे कर लेंगे, थोड़ी सी सब्जियां गल जाए। तो थोड़ी गाजर इस टाइम मौसम की नहीं आ रही है, इसलिए थोड़ा सा गाजर में, तो हमारी सब्जियां जो है हो गए। अब जब पास्ता में पानी बॉईल हो गया तो पास्ता डाल दिया उसमें, पास्ता को बॉईल होने देंगे। अब जो दूसरी मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, इसमें व्हाइट सॉस बनाऊंगी। मक्खन ले लिया मैंने, मक्खन को हल्का सा मेल्ट कर लेंगे। मक्खन हमारा मेल्ट हो गया है, हमने 1.5 चम्मच मक्खन लिया है, तो 1.5 चम्मच ही हम मैदा लेंगे। इसमें बराबर का लेना है, ज्यादा कम नहीं करना है, नहीं तो व्हाइट सॉस अच्छी नहीं बनेगी। और उसका कलर नहीं आना चाहिए, बस हल्की सी खुशबू आ जाएगी, खुशबू से आप पहचान लीजिए। ये तो हमारा पास्ता बॉईल हो रहा है। अब इसमें हम दूध डालेंगे, दूध इसमें कम से कम 5 गुना तो डलेगा ही। 1.5 चम्मच जैसे हमने वो दोनों चीज 1.5 चम्मच लिए थे, 5 गुना डलेगा। और उसको चलाते जाना है, नहीं तो गुठली पड़ जाएंगी, तो व्हाइट सॉस अच्छी नहीं बनेगी। व्हाइट सॉस में गुठली नहीं पड़नी चाहिए। दूध डालते जाइए धीरे धीरे, और व्हाइट सॉस को चलाते जाइए, गुठली नहीं पड़े। बस विशेष ध्यान रखना है इस चीज का कि गुठलियां ना पड़े। धीरे धीरे हमारी व्हाइट सॉस गाढ़ी हो जाएगी, एकदम क्रीमी हो जाएगी। देखिए गाढ़ी होती जा रही है ये धीरे धीरे, देखिए कितनी चमक भी आती जा रही है। देखिए क्रीमी हो गई है एकदम से, कितनी अच्छी हो गई है ये। ये हमारा पास्ता बॉईल हो गया है, इसका पानी अलग कर देंगे। ये क्रीम इसमें हम जो हमने व्हाइट सॉस बनाई थी उसमें जो वेजिटेबल हमने सॉटे करी थी वो डाल देंगे। इसको चला लेंगे अच्छे से, और ये पास्ता डाल देंगे, इसको भी व्हाइट सॉस में मिक्स कर लेंगे। और थोड़ी सी मलाई या आप क्रीम डाल सकते हैं, मेरे पे क्रीम नहीं थी तो मैंने मलाई डाल दी, इससे टेस्ट थोड़ा अच्छा हो जाता है, रिचनेस आ जाती है। और नमक डाल देंगे टेस्ट के, अगर नमक थोड़ा हम कम ही डालेंगे, क्योंकि चीज में, और चीज भी डालेंगे हम बाद में उसमें भी, और थोड़ा सा मक्खन में भी नमक था, काली मिर्च डाल देंगे, और चिली फ्लेक्स डाल देंगे। आप टेस्ट के अकॉर्डिंग जितना आपको तीखा खाना हो उतना चिली फ्लेक्स डाल सकते हैं, और ऑरिगेनो डाल देंगे, और कोई भी मिक्स वगैरह आप कुछ हो, पिज्जा के जो ऊपर डलता है वो हो तो वो भी डाल सकते हैं। और हम अब चीज के 2 क्यूब डाल देंगे इसमें, आप जितना चाहें क्यूब वाली डाल रहे हैं, आप चाहें तो पिज्जा वाली भी डाल सकते हैं, मैं क्यूब वाली डाल रही हूँ। ये 2 कर दूंगी, इसमें अच्छा फ्लेवर आता है चीज से, बच्चों को भी पसंद आता है ये चीज का फ्लेवर। मिक्स कर देंगे अच्छे से पास्ता, ये मैंने सर्व कर दिया है। ऊपर से थोड़ा सा ओरिगेनो और चिली फ्लेक्स डाल देंगे हम, ये देखने में भी अच्छा लगेगा, टेस्ट में भी अच्छा लगेगा। तो मेरी रेसिपी पसंद आए तो आपको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत मेहनत से मैं बनाती हूँ रेसिपी पूरा टाइम देके, तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, और आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिए।